Welcome to Tech World Podcast. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नितिन है और मैं फिर आ गया हूँ लेकर गूगल असिस्टेंट का पार्ट नंबर टू। पहले पार्ट को आपने पसंद किया, आपकी ढेर सारी फीडबैक मिली, ढेर सारे सजेशंस और पॉजिटिव रिव्यूज मिले और उसी की वजह से मुझे दूसरा पार्ट क्रिएट करने की प्रेरणा मिली। इसमें आगे मैं आपको बताऊंगा गूगल असिस्टेंट के कुछ और फीचर्स जिसको आप काफी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, पहले पार्ट में मैंने जितना भी बताया उसमें से लगभग सभी चीजें, सिर्फ एसएमएस पढ़ने के अलावा बाकी के सभी चीजें आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन आपके फोन में इनेबल होना जरूरी है। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो बिना इंटरनेट के भी हो सकती है, जैसे कॉल लगाना, एसएमएस भेजना, अलार्म सेट करना वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, पहले मैंने एसएमएस पढ़ने के बारे में बताया था, आज मैं एसएमएस भेजने के बारे में बताता हूँ। तो जैसे आप जानते हैं गूगल असिस्टेंट को कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं सुना तो जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें मैंने वो सब कुछ बताया है। इसलिए यहाँ पे ये सब कुछ ना दोहराते हुए आगे बढ़ता हूँ। तो मैंने पहले जैसे बताया था, मैं अपने फोन के होम बटन को प्रेस करता हूँ, लॉन्ग प्रेस किया, सेंड अ मैसेज टू 9725661243, हेलो हाउ आर यू। गॉट इट, डू यू वांट टू सेंड इट और चेंज इट? सेंड इट, इट्स ऑन इट्स वे, मैसेज सेंड। तो यहाँ पे मैसेज सेंड हो गया है और बहुत जल्द मुझे मिल जाएगा, क्योंकि मैंने अपने, जैसे मैसेज आ गया है, मैंने अपने एक नंबर से दूसरे नंबर पे मैसेज भेजा था। तो मैंने यहाँ पे नंबर बोला, अगर आपके फोन में किसी का नंबर सेव है और अगर आप उस व्यक्ति को फोन मैसेज करना चाहते हैं तो नाम भी बोल सकते हैं नंबर की जगह। उसी तरह हम कॉल भी लगा सकते हैं। मैं कॉल लगा के देखता हूँ, फिर से मैं वॉइस सर्च बटन को ढूंढता हूँ और उसके ऊपर डबल टैप करता हूँ, क्योंकि पहली बार मैंने डबल टैप लॉन्ग प्रेस किया था होम बटन को, अब मुझे सिर्फ वॉइस सर्च पे डबल टैप करना है, जैसे मैंने पहले पार्ट में भी बताया था। कॉल टू रणछोड़ भाई पी सोनी, कॉलिंग रणछोड़ भाई पी सोनी मोबाइल। तो मैंने पहले मैसेज भेजते वक्त नंबर बोला था, मैं अब मैंने नाम बोला है। आप नंबर भी बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल कॉल 9824 या 9898 या जो भी नंबर है वो नंबर पूरा। अब यहाँ पर मैंने जैसे ही नाम बोला उसने कॉलिंग बताया, लेकिन एक स्क्रीन मेरे सामने उसने ओपन करके रख दी है जिसमें मुझे पूछ रहा है कि आप कौन से सिम से कॉल लगाना चाहते हैं, क्योंकि मैंने अपने फोन के सेटिंग्स में जाके सिम कार्ड में से ये ऑप्शन इनेबल कर दिया है कि मैं जब भी किसी को कॉल लगाऊं तो वो मुझे हर बार पूछे कि मैं कौन से सिम से कॉल लगाना चाहता हूं, क्योंकि मेरे फोन में दो सिम कार्ड डाले हुए हैं। अगर मैंने कोई पर्टिकुलर सिम सभी कॉल्स के लिए चूज कर लिया होता, या इस नंबर पे जो मैंने अभी लगाया है इस नंबर के लिए मैंने कोई सिम रिमेम्बर करने के लिए रख दिया होता तो वो डायरेक्ट कॉल लगा लेता, लेकिन यहाँ पर उसने सिम सिलेक्शन के लिए पूछा है। तो यहाँ पर क्योंकि मेरा फोन जब मैं आपसे बात कर रहा था तब स्क्रीन ऑफ हो गया था, तो स्क्रीन सिलेक्शन जो है सिम सिलेक्शन की वो चली गई और यहाँ पर वो लिख कर आ गया जो मैंने उसको करने के लिए बोला था।
तो वैसे भी मुझे कॉल अभी नहीं लगानी है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, वॉइस कॉल ढूंढता हूँ और हम अलार्म सेट कर लेते हैं एक बार। सेट अलार्म एट 5:30 AM। ऑलराइट, योर अलार्म सेट फॉर 5:30 AM। ठीक है, इसने अलार्म सेट कर लिया। इसी तरह हम लोग कुछ और चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं टर्न ऑन वाईफाई, टर्न ऑन ब्लूटूथ, टर्न ऑन फ्लैश लाइट, या जो भी हमें ऑन करना है वो जो भी आप बोलेंगे वो ऑन हो जाएगा। अगर ऑन है तो आप ऑफ भी कर सकते हैं, जैसे कि टर्न ऑफ वाईफाई, टर्न ऑफ ब्लूटूथ, टर्न ऑफ फ्लैश लाइट, तो वो ऑफ कर देगा। आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं, सेट टाइमर ऑफ 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, 60 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, जो भी सेट करना चाहते हैं वो, तो वो टाइमर भी सेट कर लेगा। हम उसको टाइम भी पूछ सकते हैं, अभी कितने बजे हैं, अगर मुझे पता लगाना है तो। वैसे तो हम नोटिफिकेशन से लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। What time is it now? The time is 3:42 AM. What date is it today? It is Sunday, the 26th of March 2017. तो डेट और टाइम भी उसने इसी तरह बता दिया। और इसी तरह हम एक इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, कैलेंडर इवेंट। लेकिन इसके लिए आपके फोन में कैलेंडर जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए, कैलेंडर एप्लीकेशन। मैं आप लोगों को इसके लिए गूगल कैलेंडर जो है वो रेकमेंड करूंगा, क्योंकि गूगल कैलेंडर वो गूगल वॉइस असिस्टेंट के साथ बहुत अच्छे चलती है। हाँ, मेरे पास जो फोन है मोटोरोला E-Power 3, मोटोरोला E3, तो इसमें जो कैलेंडर ऐप है गूगल का वो बिल्ट इन आता है, मुझे सिर्फ उसको अपडेट करना पड़ा। आप भी अपडेट कर लीजिएगा अगर आपके फोन में बिल्ट इन है तो, और अगर आपके फोन में वो बिल्ट इन नहीं है और कोई और कैलेंडर ऐप है तो इसके साथ ये इवेंट बनाकर ट्राई कर सकते हैं। अगर चल जाती है तो ठीक है, वरना आप भी गूगल कैलेंडर इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो कैसे हम लोग इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। डबल टैप करते हैं हम लोग, क्रिएट एन इवेंट। व्हेन इज द इवेंट? 13th September 2018। एट व्हाट टाइम? 10:00 AM. What's the title? Meeting with Prime Minister. Okay, do you want to save this? No. Which part would you like to change? The day, the time, or the title? Or say cancel it? Cancel it. Event cancelled. तो इस प्रकार हम इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर जब उसने मुझे पूछा कि आप सेव करना चाहते हैं, या मैंने यस कर दिया होता, यस बोल दिया होता, तो वो इवेंट सेव कर देता। लेकिन मुझे इसको इवेंट की सेव करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैंने चेक किया, आपको बताने के लिए परफॉर्म किया था कमांड। तो दोस्तों, इवेंट के बाद हम लोग एक बहुत अच्छा फीचर जो है उसको एक्सप्लोर करेंगे, इसमें आप लोगों को बहुत मजा आएगा। और वो मैंने पहले पार्ट में भी बताया था कि हम गूगल असिस्टेंट के साथ गेम खेल सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से गेम खेली जाती है और कौन सी गेम्स अवेलेबल है इसके पास। आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम। You can play one of these games. तो यहाँ पे कुछ गेम्स का लिस्ट उसने रख दिया है, उसमें उसको हमें टॉकबैक के साथ एक्सप्लोर करेगा करना पड़ेगा, वो बोलेगा नहीं। ऑडियो गेम्स, फन विद साउंड, चैट गेम्स, यहाँ पे क्विज भी खेल सकते हैं,
डूडल्स भी है, क्लासिक गेम्स, रिविजन्स ऑफ फेवरेट्स, क्लासिक गेम्स, नेवर माइंड, और लास्ट में है नेवर माइंड। नेवर माइंड का मतलब होता है कि आपको इसमें से कोई भी गेम पसंद नहीं है, तो आप नेवर माइंड पे डबल टैप करेंगे तो वो बाहर आ जाएगा, गेम की लिस्ट के बाहर। हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सिर्फ ऑडियो वाली जो कैटेगरी है उसी में गूगल वॉइस का जो असिस्टेंट है, का जो वॉइस है गूगल असिस्टेंट का, वो सपोर्ट करता है। बाकी की गेम्स आपको टॉकबैक के साथ खेलनी पड़ेगी। तो ये जो वॉइस है गूगल असिस्टेंट का, वो नेटवर्क बेस्ड वॉइस है और वो सिर्फ ऑडियो गेम में सपोर्ट करता है। मैं इस वाली कैटेगरी में आ जाता हूँ, ऑडियो गेम्स। ओके, हाउ अबाउट वन ऑफ दीस। उसमें भी लिस्ट है जिसमें कुछ गेम्स हैं, मैं देखता हूँ कौन सी गेम्स हैं। ऑडियो गेम्स। ओके, हाउ अबाउट वन ऑफ दीस, लकी ट्रिविया, आर यू फीलिंग लकी? एक तो है लकी ट्रिविया। ट्रिविया क्रैक बहुत ही फेमस गेम है क्वीज और इन सब के लिए। काफी जनरल नॉलेज हमारा इम्प्रूव होता है उस गेम से। ऑनलाइन प्ले कर सकते हैं, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रो और फ्री दोनों वर्जन में है। ये दूसरा एक गेम है क्रिस्टल बॉल, लकी ट्रिविया स्पोर्ट्स। ये स्पोर्ट्स का क्वेश्चन आता है उसमें, अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप ये खेल सकते हैं। ये भी है और नेवर माइंड, यानी एक भी पसंद नहीं है, बाहर आ जाते हैं, मतलब आ जाएंगे हम यहाँ पे अगर डबल टैप किया तो। मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये वाली गेम है, मैं इसको खेलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे खेली जाती है। गेम शो टाइम। ओके ओके, आई एम गोइंग टू सेकी माइसेल्फ अप नाउ, स्टे काम, सॉरी नॉट यू, आई एम टॉकिंग टू माइसेल्फ। Welcome to Are You Feeling Lucky? The game with all the answers. I'm the host, your Google assistant. How many contestants do we have this time? One. Party of one. Right this way. Get ready for five questions. I'll call you Pickles. No, Popinjay. That's it. I'll call you Popinjay. Okay, let's get things started. You can always pop out of the game by saying, stop. They say that math is the language of the universe. Let's see if you speak that language. What's 15 plus 24? 39, 38, or 30? 24. One more time. What's 15 plus 24? 39, 38, or 30? 39. Are you serious? Of course, that's right. Here's question number two. This sounds fun. Which vehicle makes this noise? A pedal boat. A tank. Or a tractor. Stop. Are you sure you want to quit? Yes. All right. Thanks for playing. तो ये गेम इस प्रकार हम खेल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। और इस गेम में जो आंसर जब हमें बोलना होता है तब वो माइक्रोफोन ऑटोमेटिक ऑन कर देता है। इसमें हमें वॉइस सर्च पे जाके डबल टैप करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम गेम खेल सकते हैं, इस तरह से हम अलार्म सेट कर सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं, कॉल मिला सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूँ आपको, वो है गाने बजाना। वैसे ये हमारे फोन के अंदर भी सेव किए हुए गाने बजाता है, लेकिन इसमें बहुत एरर्स शो करता है, काफी ट्राई करने पर ये बजाता है। अभी इसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट होना जरूरी है, तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बार ट्राई करने पर
काम होता है हमारा, लेकिन अगर ऑनलाइन गेम प्ले करना होता है तो ऑनलाइन म्यूजिक प्ले करना होता है तो आराम से प्ले कर लेते हैं। अच्छा मैं ये बता दूं पहले कि ये जो इवेंट है, इवेंट और ये गेम मैंने खेला और ये म्यूजिक, इन तीनों चीजों के लिए आपके पास इंटरनेट होना जरूरी है। म्यूजिक आपने अगर मल्टीपल म्यूजिक प्लेयर, ऑनलाइन मल्टीपल म्यूजिक प्लेयर आपने इंस्टॉल करके रखे हैं, जैसे गाना है वो या गूगल प्ले म्यूजिक हो या विंग म्यूजिक हो या यूट्यूब, तो आपको पूछेगा कि आप कौन से प्लेयर से बजाना चाहते हैं। लेकिन मेरे फोन में फिलहाल मैंने सभी एप्स अनइंस्टॉल रखे हैं सिवाय यूट्यूब के, तो वो यूट्यूब से ही गाना प्ले करेगा। अब देखते हैं कैसे, मैं वॉइस सर्च पे करता हूँ, प्ले द सॉन्ग टिन का टिन का। प्लेइंग म्यूजिक। ऐड आ गई है, यूट्यूब में जो ऐड आती है। ये एड बज रही थी, अब गाना प्ले होगा। ये गाना बजना शुरू हो गया है। मैं बैक कर देता हूँ। हर दिल में इस तरह से आप गाना भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल असिस्टेंट को एज ए सर्च इंजिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप बोल सकते हैं सर्च की बायोग्राफी ऑफ अमिताभ बच्चन फ्रॉम विकिपीडिया, या फिर किसी एप्लीकेशन को गूगल प्ले में भी सर्च कर सकते हैं, लाइक सर्च फेसबुक इन गूगल प्ले, या फिर किसी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं, ओपन प्ले स्टोर, ओपन ट्विटर, ओपन फेसबुक, इस तरह से जो भी आपके फोन में इंस्टॉल एप्लीकेशन है उसको, या फिर आप किसी वेबसाइट का नाम बोल सकते हैं, जैसे कि openfreedomscientific.com या openmusicplanet.in या जो भी वेबसाइट आपको ओपन करनी है, तो वो आपके जो भी ब्राउजर्स आपके फोन में इंस्टॉल होंगे, अगर मल्टीपल ब्राउजर होंगे तो पूछेगा कौन से ब्राउजर से ओपन करनी है, और अगर एक ही ब्राउजर है तो उसी से वो ओपन कर देगा आपको। आप वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट के जरिए। वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए आपको जस्ट वॉइस सर्च पे डबल टैप करना है, या फिर लॉन्ग प्रेस होम बटन जो के हम करते हैं, तो यहाँ पर आपको बोलना है रिंगटोन, सेट रिंगटोन वॉल्यूम 100% या सेट रिंगटोन वॉल्यूम 60% या सेट मीडिया वॉल्यूम 100% 60% जो भी आप बोलेंगे। सेट रिंगटोन वॉल्यूम 0% तो आपका फोन साइलेंट और वाइब्रेट हो जाएगा, तो आपको वॉल्यूम भी आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू गूगल असिस्टेंट, जैसा आपको बोलना है कि आपको कौन सा वॉल्यूम और कितने परसेंट करना है तो वो करके देगा आपको। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। आप इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और मुझे आप फीडबैक भेज सकते हैं। व्हाट्सअप करने के लिए कॉन्टेक्ट नंबर है 9725661243, दैट इज 9725661243। तो दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इफ यू लाइक दिस पॉडकास्ट प्लीज गिव अ लाइक कमेंट एंड शेयर विद अदर पीपल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन सजेशन एंड फीडबैक अबाउट टेक्नोलॉजी, please contact us by this email, teamtechworld@gmail.com. That is TEAMTECWWORLD.
For more information, stay tuned. Bye-bye, and have a great day. Thank you. Hey, stop, where you are going? Please don't forget to subscribe this channel, okay? Bye-bye.